गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हमारा लाइनक्स में है वो है फाइल कंपैरिजन कमांड्स। आज अपन देखेंगे फाइल कंपैरिजन कमांड्स। तो चलते हैं, अपन देखते हैं फाइल कंपैरिजन कमांड कौन कौन से हमारे पास है। ठीक है, आयुष, आंचल। तो पहला कमांड हमारे पास है फाइल कंपैरिजन कमांड्स में सीएमपी कमांड। कौन सा कमांड? सीएमपी कमांड। सीएमपी कमांड का काम क्या होता है? सीएमपी दिस कमांड यूज टू कंपेयर दो फाइल, टू फाइल्स। कितनी फाइल्स को? टू फाइल्स को कंपेयर करता है। आशुतोष मिश्रा, दिव्या, वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही? किसी की प्रॉब्लम तो नहीं वॉइस में? विष्णु जी सर, आ रही आवाज जी सर। तो पहला कमांड अपन देखते हैं यहाँ से आज, सीएमपी कमांड। फाइल कंपैरिजन कमांड में सीएमपी कमांड। तो सीएमपी कमांड क्या करता है? दिस कमांड यूज टू कंपेयर टू फाइल्स, करेक्टर बाय करेक्टर। इन करेक्टर के आधार पर दो फाइल्स को आपस में क्या करता है? कंपेयर करता है, उन दो फाइलों को कंपैरिजन करता है। किसके आधार पर? कि कितने करेक्टर का डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद इसका सिंटेक्स कैसे होता है? यहाँ पे सीएमपी लिखेंगे फाइल वन, फाइल टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जैसे ऑप्शन यूज किया फाइल। अब यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, दो फाइल्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जैसे एक फाइल अपन बनाएंगे लिस्ट और उसमें कुछ डेटा डालेंगे, इस तरीके से डेटा डाल लेंगे, कोई भी डेटा जो आपको डालना हो वो डेटा अपन डाल लेंगे। दूसरी फाइल एक बनाएंगे उसमें डेटा डालेंगे और फिर उन दोनों फाइल्स को कंपेयर करेंगे। फाइल वन और फाइल टू को आपस में क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे बनाते हैं, तो चलते हैं लाइनक्स को ओपन करते हैं। पहला कमांड अपन देखते हैं सीएमपी कमांड। कौन सा कमांड? सीएमपी कमांड। लाइनक्स को ओपन करते हैं टर्मिनल को। तो टर्मिनल में अपन ने ले लिया यहाँ पे, चलिए। तो उससे बाद यहाँ पे अपन सबसे पहले करते हैं फाइल बनाते हैं। तो फाइल बनाने के लिए जैसे अपन ने बनाया लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी, पहली फाइल अपन ने बनाया लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी। यहाँ पे कोई भी नाम डाल लेते हैं, राम, सीता, गीता, जावा, पीएचपी, डॉट नेट, ठीक है, एंड्रॉइड, एएसपी। इस टाइप से कोई भी लैंग्वेज अपन ने ली। तो यहाँ पे एक फाइल बन गई। एक फाइल और बनाते हैं अपन, कैट लिस्ट टू डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब यहां पे जैसे हमने डाल दिया मान लो राकेश, रोशन, राम, राजेश, इस टाइप से हमने एक फाइल यहां पे इस फाइल को भी सेव कर दिया। अब इन फाइल्स में अपन क्या करते हैं? सीएमपी कमांड चलाते हैं। कौन सा कमांड? सीएमपी लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी, लिस्ट टू डॉट टीएक्सटी। ये देखिए कितने लाइन का अंतर है, थ्री बाइट्स का और एक लाइन का डिफरेंस है, थ्री बाइट्स और एक लाइन। तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक, तो एक लाइन सिक्स इसमें और एक लाइन, तो एक लाइन का डिफरेंस है और थ्री बाइट्स का डिफरेंस है। तो जब हम बाइट बाइट करेक्टर बाइट करेक्टर फाइल में एक एक करेक्टर पूरे काउंट किए होंगे, इस फाइल के करेक्टर काउंट किए होंगे, तो जितना डिफरेंस आपके पास आया तो कितने बाइट का डिफरेंस आया? थ्री बाइट का डिफरेंस आया। और कितनी लाइन का डिफरेंस आया? वन लाइन, क्योंकि इसमें सिक्स लाइन है, इसमें हमारे पास कितनी लाइन है? फाइव लाइन है। समझ में आया? सीएमपी कमांड। आशुतोष, मंगलम तिवारी, दिव्या, आंचल, आयुष अग्रहरी, बताएं बेटा सीएमपी कमांड। यस सर, समझ में आया है। समझ में आया? तो वाइट वाइट वाइट, लाइन बाय लाइन अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं अपन? सीएमपी कमांड यूज करते हैं। मंगलम बेटा क्लास व्लास नहीं लेते हो? कभी कभी आ जाते हो जुड़ने के लिए? है सर, कभी नहीं आते, भी दो दिन से बस नहीं लिए, बाकी लेते थे सर क्लास हम। हाँ, क्लास पढ़े लो, ठीक है बेटा, चलिए। हाँ सर, अब चलते हैं नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन।
नेक्स्ट हमारे पास, जिस तरह हमारे पास कंपैरिजन कमांड्स है उसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास कमांड है यहाँ पे COMM, कॉमन कमांड्स। कौन सा कमांड? कॉमन कमांड। दिस कमांड यूज टू कंपेयर टू शॉर्टेड फाइल्स। इस कमांड का काम क्या होता है कि दो फाइल्स को कंपेयर करता है, पर दोनों फाइल कैसी होनी चाहिए? शॉर्टेड फाइल होनी चाहिए। कैसे ऑर्डर होनी चाहिए? शॉर्टेड फाइल्स। ठीक है, अब इसमें देखिए इस कमांड के साथ तीन ऑप्शन यूज होते हैं, -1, -2, -3। -1 का काम क्या होता है? सप्रेस लाइन यूनिक टू फाइल वन कॉलम वन, यानी जो पहले कॉलम में होगा वो लाइन आपको यहाँ पे सप्रेस कर देगा। दूसरे में हमारे पास क्या होगा? जो टू फाइल में होगा उसको सप्रेस करेगा। तीसरे कॉलम में जो तीनों में कॉमन होगा उसको आपको शो करके हमारे पास यहाँ पे देगा। सिंटैक्स इसका किसका होता है? कॉमन, फाइल वन, फाइल टू। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन क्या करते हैं, यहाँ पे दो फाइल अपन यहाँ पे बना देते हैं। जैसे अपन ने मान लो सपोज दैट यहाँ पे फाइल बनाई कैट फाइल वन डॉट टीएक्सटी धोनी द्रविड़ सचिन सहवाग क्यूबी। दूसरी फाइल बनाई धोनी द्रविड़ सचिन और यहाँ पर हमने दूसरा नाम डाल दिया, तो एक में अंतर है, यहाँ पे यूबी, यहाँ पे दूसरा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए कंपेयर किया तो धोनी इसमें भी है, धोनी इसमें भी, धोनी मिल गया। द्रविड़ इसमें भी है, द्रविड़ इसमें भी है, ले लिया। पर अब देखिए जो सचिन है वो आपका इसमें भी, पर अंतर कहाँ पे आ रहा है? ये देखिए यूबी भी है आपका, तीसरे वाले कॉलम में आपको यहाँ पे डिफरेंस देगा। तो डिफरेंस देने के देखिए यहाँ पे बता रहा है नो मैचिंग द फर्स्ट कॉलम, नो मैचिंग आइटम सहवाग और यूबी, यानी फर्स्ट फाइल में सहवाग और यूबी मैच नहीं कर रहे। यहाँ सहवाग, यहाँ क्या है? सचिन। यहाँ सचिन है और यहाँ पे सहवाग, तो जो मैच नहीं कर रहा है वो आपको यहाँ पे नहीं दे रहा है। हेलो, कौन? जी होता एक मिनट, तुम ऐसा करो तुम प्रिंसिपल ऑफिस चले जाओ, मैं 10 मिनट बाद आपसे आता हूँ, मेरे क्लास चल रही है, क्लास छोड़ के 10 मिनट आता हूँ, ठीक है? हाँ, तो उसके आगे चले जाओ और प्रिंसिपल ऑफिस लगा दिखा दो, ठीक है? एक मिनट में बाहर आ रहा हूँ, जाओ। हेलो, वॉइस आ रही बेटा? हेलो, यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ठीक ठीक, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया, सॉरी। चलिए तो अब अपन आज देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो दोनों में है वो तो हमें मिल ही रहा है, धोनी यहाँ पे भी, द्रविड़ यहाँ पे मिल रहा है। तीसरी फाइल में हमारे पास देखिए सहवाग है, पर यहाँ पे क्या है? सचिन। तो इसने क्या ले लिया? सचिन। क्लियर? तो ये क्या करता है, पहले वो दोनों कॉमन देगा जो दोनों फाइल में, तो द्रविड़ धोनी दोनों में है वो दे दिया, पर सेकंड वाले कॉलम में क्या देगा कि जो फर्स्ट फाइल में यूनिक है, फर्स्ट फाइल में यूनिक क्या है? सहवाग। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ इस तरीके से, यहाँ पे जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपन यही वाली एक फाइल बनाते हैं और आपको रन करके दिखाते हैं कि तीन कॉलम में रिजल्ट कैसे कैसे हमारे पास आता है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम डिस्प्ले नॉन मैचिंग आइटम फर्स्ट फाइल, इसमें तो इसमें कौन मैचिंग नहीं कर रहा है? सहवाग और धोनी मैचिंग नहीं कर रहा है। सेकंड कॉलम नॉन मैचिंग आइटम्स फाइल टू, कौन सा हमारे पास? जायदा, ये देखिए आया। थर्ड कॉलम इंडिकेट्स द आइटम बोथ फाइल्स, जो दोनों फाइल्स में आपके पास है कौन कौन से? धोनी है, द्रविड़ है, सचिन है, वो देखिए। क्लियर ना? तो ये तीन कॉलम में जो हमारे पास कमांड है वो हमारे पास थ्री कॉलम में आपको रिजल्ट देता है। कितने कॉलम में रिजल्ट देता है? थ्री कॉलम में रिजल्ट देता है हमारे पास धोनी, द्रविड़, सचिन और सहवाग। तो ये तीन कॉलम में आपके पास यहाँ पे रिजल्ट हमको डिस्प्ले करके देता। तो देखिए इसी तरह से हम एक एग्जांपल आपको बना के बताते हैं, फिर जहां ना समझ में आए आप पूछिएगा।
देखिए हम लाइनेक्स को ओपन करते हैं यहां से, ठीक है, सॉरी लाइनेक्स को ओपन किया और कमांड देखते हैं। तो यहां पे एक फाइल बना लेते हैं, पर सपोज दैट कोई भी एक फाइल बना लेते हैं जिसमें अपन डेटा डालते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने कैट एक फाइल का नाम दे दिया फाइल 1.txt, ठीक है। अब यहां पर जैसे हमने डाल दिया im दुष्यंत, ठीक है, im दुष्यंत, और यहां पर हमने कर दिया व्हाट इज योर योर नेम और क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसको हमने यहां से सेव कर दिया, पहली फाइल बन गई। दूसरी फाइल बनाते हैं अपन कैट कैट फाइल 2.txt, फाइल डॉट txt, im नाम, अब यहां पे भी दुष्यंत लिखते हैं, क्या नाम लिखते हैं, दुष्यंत, ठीक है। उसके बाद अपन यहां पे दूसरी वाली लाइन को चेंज कर देते हैं, क्या चेंज कर देते हैं, यहां पे कर देते हैं व्हाट आर यू, ये देख। तो पहली लाइन तो हमने कॉमन कर दी, दूसरी लाइन दोनों में अलग कर दी, ठीक है, और यहां से इसको कंट्रोल डी से सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रिजल्ट। फॉर एग्जांपल अपन यहां पे, ठीक है, अब यहां पे अपन ने लगाया कॉम फाइल 1.txt फाइल 2.txt फाइल 2.txt, ठीक है, फाइल 2.txt। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्या आएगा कि पहली लाइन आएगी, पहली लाइन आएगी क्योंकि पहली वाली में दोनों में कॉमन है, ये व्हाट आर डूइंग सेकंड वाली में है पर फर्स्ट वाली में हमारे पास नहीं है, ठीक है। व्हाट लाइन इसलिए आ रही कि व्हाइट आपके दोनों में है, तो व्हाइट वाली लाइन। तो इस तरीके से जब हमारे पास तीन कॉलम में रिजल्ट दिखाता है कि पहली कॉलम में वो आएगा जो दोनों में कॉमन होगा, सेकंड वाले में वो लाइन आएगी जो सिर्फ सेकंड में होगी फर्स्ट में नहीं होगी, और थर्ड में वो लाइन आएगी जो आपका क्या होगा, जो लाइन आपके दोनों में कॉमन होगी। क्लियर पॉइंट समझ में आया बेटा, समझ गए ना मेरी बात, यस सर। एक बार करना, अगर फिर किसी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आप पूछ सकते, जो कमांड आपका कंप्यूटर पे या मोबाइल पे नहीं चलता उन कमांड्स को आप नोट कर लिया करिए, जब नेक्स्ट अपनी क्लास हो तो उसमें क्लास में आप लोग पूछ लिया करें, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इतना समझ में आया, ये वाला हो गया ना। तो दो कमांड मैंने अभी देख बताए आपको, कौन कौन से, एक सीएमपी कमांड बताया, दूसरा हमने अभी कॉमन कमांड बताया। नेक्स्ट कमांड अपन देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डिफ कमांड। डिफ कमांड क्या करता है, दिस कमांड यूज टू कंपेयर टू फाइल्स लाइन बाय लाइन। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सीएमपी कमांड्स भी हमारे पास है यहाँ पे और डिफ कमांड भी है। तो सीएमपी कमांड हमने आपको काहे के लिए बताया, सीएमपी कमांड जो कंपेयर करता है वो करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है, करेक्टर बाय करेक्टर कंपेयर करता है, और जबकि डिफ कमांड जो हमारा है वो लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है। कैसे कंपेयर करता है, हमारा लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है, ठीक है। तो दिस कमांड यूज टू कंपेयर टू फाइल्स लाइन बाय लाइन, कैसे कंपेयर करता है, लाइन बाय लाइन कंपेयर हमारे पास करता है। अब इसके साथ ही कुछ ऑप्शन, जैसे हमारे पास एक फाइल हमने बनाया और उस फाइल में कुछ डेटा डाल लेते हैं, क्या डाल लेते हैं, कुछ डेटा डालते हैं और उनमें कंपेयर करने अपन करते हैं, क्लियर। तो जैसे अपने पास फॉर एग्जांपल लाइनेक्स को ओपन करते हैं अपन, ठीक है, और लाइनेक्स को ओपन करने के बाद उसमें डेटा डालते हैं, क्या डालते हैं, डेटा, ठीक है। तो यहां पे चलते हैं न्यू
ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात यहीं पे डिफरेंस लगा लेते हैं लिस्ट वन लिस्ट टू में, तो डिफ कमांड लिस्ट वन डॉट जो अपने पास पहले से फाइल बनी में देखें कंटेंट क्या पड़े हुए कैट लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी, ये एक फाइल पड़ी है अपने पास एक कैट लिस्ट टू डॉट टीएक्सटी, ये दो फाइल्स। अब इन दोनों में लाइन बाई लाइन कंपेयर कर डिफ लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी लिस्ट टू डॉट टीएक्सटी, ये देखिए कंपेरिजन हमारे पास आ गया इस तरीके से हम कंपेयर करके हमको देगा। अब इसके साथ देखिए इसमें देखिए इतना डेटा पड़ा इसमें दोनों फाइलों को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखा रहा, क्या दिखा रहा है डिफरेंस एक लाइन 8C1 करेक्टर, ये देखिए पूरा यहाँ पे आपको बता रहा। अब इनका ऑप्शन का मतलब मैं आपको बताता हूँ कैसे इनको यूज करना है आपको। देखिए हमारे पास अगर आपने यहाँ पे यूज किया जैसे ऐसे L A R एट द लाइन R फ्रॉम फाइल वन टू लाइन L टू, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे हमने दिया जैसे एफ ए सी चेंज लाइन रेंज, अगर लाइन को कोई चेंजेस वगैरह किए तो यहाँ पे आपके पास F ऑफ द फर्स्ट लाइन रेंज T सेकेंड फाइल के लिए, ठीक है ये ऑप्शन यहाँ पे अपन यूज कर जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आएगा लाइन फ्रॉम वन लाइन फ्रॉम टू फाइल दोनों फाइल्स की, ठीक है। अब आपके यहाँ पे देखिए रेंज ए बी सी डी रेंज, यानी इस कमांड के भी हम चेंजिंग वाले कमांड आपको नहीं बता रहे हैं, इसमें हम चेंजिंग भी कर सकते हैं डेटा की चेंजिंग कर सकते हैं फाइल में परमिशन भी एड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एड राइट परमिशन टू यूजर ग्रुप एंड अदर। अभी जब हम ग्रुप परमिशन अगर आपने पढ़ा होगा सी एच मोड कमांड एक आपने पढ़ा होगा उस मोड का यूज करके हम फाइल की परमिशंस वगैरह चेंज करके इसमें डेटा की एडिटिंग वगैरह भी कराएंगे, क्लियर। तो अभी सिर्फ आप ये रखना याद रखना कि जो आपका डिफरेंस कमांड है किसी फाइल में दो फाइल्स को कंपेयर करता है लाइन बाय लाइन कंपेयर करता है, और हम यहाँ पे चेंजिंग मोड कमांड भी यूज कर सकते हैं फाइल्स की परमिशंस भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आप याद रखना जब हम आपको सी एच मोड कमांड पढ़ाएंगे तो इसमें हम चेंजिंग करने का आपको तरीका भी बताएंगे, सी एच मोड कमांड मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं तो आपको समझ में अभी नहीं आएगा, क्लियर। इतना समझ में आ गया डिफरेंस कमांड क्या करता है आपका कि फाइल दो फाइल्स में लाइन बाय लाइन अगर कंपेयर करना है तो उसके लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं हम डिफरेंस कमांड यूज करते हैं, क्लियर। समझ में आया बेटा बोलो। यस सर। यस सर। चलिए। यस सर। अब अपन नेक्स्ट एक और आपको जो कल ये कमांड्स थे अब अपन कुछ कमांड जो कल एक छूट गए थे क्लास लास्ट में बीच में डिस्टर्ब हो गई थी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो आज उन कमांड्स को भी ले लेते हैं उनको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो पिछली क्लास में कुछ छूट गया था अपना उनको अपन कंप्लीट कर देते हैं एक दो कमांड्स। देखिए पिछली क्लास में अपने पास दिख रही स्क्रीन बेटा कैलेंडर कंट्रोल तक हमने आपको बता दिया एक कंट्रोल हमारे देखिए हमारे पास एक कमांड होता है जो यूज करते हैं अपन डीडी कमांड का यूज होता है। दिख रहा बेटा स्क्रीन दिख रहा सभी को? अच्छा डीडी कमांड का काम क्या करता है कि जैसे हमने आपको एक कमांड बताया था सीपी कमांड, यानी एक फाइल की दूसरी फाइल क्या कर देता है वो कॉपी बनाने के लिए अपन किस कमांड का यूज करते थे सीपी कमांड का यूज करते थे, तो वैसे हमारे पास डीडी कमांड क्या करता है एक फाइल की दूसरी कॉपी तो बनाता है फॉर लो लेवल टू हाई लेवल फाइल, फाइल को कॉपी करता है, कॉपी करने के साथ साथ क्या करता है ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट भी कर देता है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट भी कर देता है। जैसे इफ फाइल में हम इनपुट फाइल का नाम देंगे आउटपुट फाइल में हम उस फाइल का नाम देंगे जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं जिसकी कॉपी करना चाहते हैं, और एक यूज होता है इसके अंदर हम कन्वर्ट्स यूज करते हैं। यहाँ पे दो चीज यूज होती है एक यूकेएस यूज होता है कैपिटल के लिए और एक यूज होता है यहाँ पे एलकेएस यूज होता है स्मॉल लेटर के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन यहाँ पे क्या किया समझना यहाँ पे लाइनेक्स को अपन यहाँ से ओपन करते हैं किसको ओपन करते हैं लाइनेक्स। जैसे सपोज दैट अपने पास अभी जो फाइल है कैट लिस्ट वन डॉट टीएक्सटी
अभी देखिए इसमें जो भी डेटा है वो डेटा आपका किसमें है, स्मॉल लेटर में है। हम चाहते हैं इस फाइल की कॉपी बन जाए और पूरा का पूरा डेटा आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, डीडी कमांड। इफ इनपुट फाइल नेम में आपने दे दिया किस फाइल को कन्वर्ट करना है आपको, आपने दे दिया list1.txt, ध्यान से समझिएगा। और आउटपुट फाइल आपकी क्या बने, ऑफ फाइल, ये कीवर्ड है आपके याद रखना। ऑफ फाइल में आपने c list1 dot txt, पर कन्वर्ट किसमें हो, आपने दे दिया कन्वर्ट इक्वल टू, आपने दे दिया यू केस, किसमें दे दिया यू केस, यानी ये फाइल आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाए, यानी lst की कॉपी होके सी लिस्ट वन में जाए, पर डेटा किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। ये देखिए आपका, अब यहाँ पे आप देखिए ls करके देखेंगे तो आपकी एक सी लिस्ट नाम से फाइल बनी होगी, किस नाम से बनी होगी, सी लिस्ट नाम से, देखिए एक फाइल बनी होगी, ये देखिए सी लिस्ट नाम से फाइल बनी। अगर अब इस फाइल को देखिए, पहले पुरानी फाइल को ओपन करते हैं, देखिए पुरानी फाइल में डेटा किसमें पड़ा है, स्मॉल लेटर में। अगर हम यहीं पे करते हैं कैट सी लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी, तो अब देखिए इसमें डेटा पूरा आपका किसमें मिल गया, कैपिटल लेटर। मेरी बात समझ में आई बेटा? आचल, मंगलम, आशुतोष, दिव्या, विष्णु, कोई और स्टूडेंट्स जो भी समझ रहा है? तो ये क्या करे, कॉपी तो करता ही करता है, कॉपी करने के साथ साथ ये एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट भी कर देता है। क्लियर, समझ गए ना मेरी बात? चलिए अब मान लो ये कैपिटल में है, ये वाली फाइल सी लिस्ट फाइल आपकी कैसी, कैपिटल। अब इसको स्मॉल में कन्वर्ट करना है तो अपन यहाँ पे अगेन वही कमांड यूज करेंगे, कौन सा कमांड, डीडी कमांड, इसको दे दिया डीडी। इफ फाइल में देंगे हम इफ फाइल इक्वल टू, हमने दे दिया इफ सॉरी लिस्ट सी लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी। ऑफ फाइल क्या बनाना है इसका, अब अपन को स्मॉल, तो ऑफ फाइल में हमने दे दिया मान लो एल लिस्ट लोअर केस एल लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी। कन्वर्ट कितना करना है, कन्वर्ट किसमें करना है, इसको कन्वर्ट करना है इक्वल टू, अपन ने दे दिया इसको एल केस, किसमें कन्वर्ट करना। अब आप यहाँ पे देखिए कैट करके देख लीजिए, कैट एल लिस्ट वन डॉट टी एक्स टी, देखिए पूरा का पूरा अगेन डेटा पूरा स्मॉल में कन्वर्ट। तो आप एक केस से दूसरे केस में फाइल को कॉपी करने के साथ साथ इस डेटा को हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। समझ में आया बेटा? आचल, आशुतोष, दिव्या, मंगलम, कोई क्वेश्चन हो किसी स्टूडेंट्स का पूछ सकता है। चलिए एक कमांड और इसमें हमने आपको बताया था पिछली क्लासेस में, अगर याद हो टच कमांड बताया, टच कमांड हमने आपको बताया था कि टच कमांड क्या करता है कि नई फाइल बनाता है, आप नई फाइल बना सकते हैं टच कमांड में। नई फाइल के साथ क्या करता है ये कि किसी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम, एक्सेस मॉडिफिकेशन टाइम स्पेंड भी आप चेंज कर सकते हो। क्लियर, अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम बताते हैं, रन करके नई फाइल बनाया, पर नई फाइल कैसी बनाता है ये, ब्लैंक फाइल बनाता है। कभी एग्जामिनर आपसे पूछे कि टच कमांड से आप क्या करते हैं, तो आप कहोगे टच कमांड से हम मॉडिफिकेशन एक्सेस टाइम चेंज कर सकते हैं और न्यू फाइल बनाता है, पर न्यू फाइल कैसी बनाता है, एम्प्टी फाइल बनाता है। क्लियर, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गए sudo-s करने के बाद हम सुपर यूजर में जाते हैं, किसमें जाते हैं, सुपर यूजर। ये आप यहाँ पे एडरूट पासवर्ड डाल देंगे, देखिए आपका प्रॉम्प्ट डॉलर से किसमें आ गया, हैश में। जब डॉलर से हैश में प्रॉम्प्ट चेंज हो जाता है तो आप किसमें आ जाते हैं, सुपर यूजर में आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, सुपर यूजर। अब हमने यहाँ पे सपोज दैट ls करके देखा, ls देखिए इस फाइल का एक्सेस टाइम 24 अगस्त आ रहा है, कितना td फाइल जो हमारे पास बनी। क्लियर, या हमारे पास सपोज दैट f1 फाइल बनी, कंटेंट्स देख लेते हैं f1 में क्या पड़ा, get f1। क्लियर, अब f1 में अपन क्या करते हैं, इसका एक्सेस टाइम चेंज करें, तो इसका कितना है हमारे पास 20 अगस्त, जो भी हमारे पास है इसका 26 अगस्त है। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, डेट कमांड चलाया, आज की डेट आ रही, उसके बाद हमने यहाँ पे दे दिया टच। क्लियर, अब ls करके अपन देखेंगे, ठीक है, ये देखिए इसका एक्सेस टाइम 28 हो गया 26 से। क्लियर, तो ऐसे कामों के लिए भी अपन टच कमांड का यूज करते हैं, किसी फाइल का अगर मॉडिफिकेशन एक्सेस टाइम चेंज करना है
तो वहां पे भी हम टच कमांड का यूज करते हैं। एक टच कमांड क्या करता है, आपका नई फाइल बनाता है, एम्प्टी फाइल बनाता है। दूसरा हमने काम आपको क्या बताया कि डेट कमांड पढ़ाने के बाद आपको टच कमांड, तो टच कमांड क्या करेगा, इसी फाइल का मॉडिफिकेशन टाइम को भी चेंज कर देगा। समझ गया मेरे पॉइंट, समझ में आ गया बेटा, क्लियर? तो आप पहले क्या चलाएंगे, डेट कमांड चला लेंगे, उसके बाद टच कमांड और उसके बाद फाइल का नाम, और तो आपकी उस फाइल का एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई? मंगलम, आंचल, दिव्या, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और जो भी कमांड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है? इनका नोट्स बना लीजिए बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उनका नोट्स में भेज रहा हूँ, नोट्स बनाते जाइए सिलेबस देख देख के। मैं 100% कहता हूँ एग्जाम में इससे बाहर जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं करा दूंगा, आपके सिलेबस से ज्यादा ही होगा, एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा 100%। क्लियर? और ये ध्यान रखना, अगर आप नेटवर्किंग में करियर बनाना चाहते हैं, सर्वर में जाना चाहते हैं, तो लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए तो आज के लिए इतना ही, किसी कोई क्वेश्चन हो पुराना, हो सकता है कोई कमांड ना चल रहा हो, कोई लिनक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी का भी, बताएं बेटा। आंचल, आशुतोष, दिव्या, मंगलम, कोई भी क्वेश्चन हो आपका लिनक्स से रिलेटेड, कुछ पूछना चाह रहे हैं, कोई सिलेबस वगैरह आपको नेट से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं मिले तो वो भी बताइए, भेज दूंगा, ठीक है? चलिए, कोई क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं सर। चलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए पहले आप। आ रहा है सर। थैंक यू।